प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका होली गोस्ट प्रोडक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। आज का वचन जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर के चेले, भजन संहिता 92 की 2 आयत में लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है तो वह आपकी तैयारी भी बड़ी करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आम जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के दास बन जाएं और परमेश्वर के रास्तों को साफ करें। इसलिए मैं अपनी फेसबुक पर लिखता हूँ कि जो अनुशासन में नहीं है वह कभी भी परमेश्वर का चेला नहीं बन सकता। और इसलिए जब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना तो उन्हें प्रेरित कहा। आज लोग परमेश्वर के काम तो करना चाहते हैं, पर वह एक चेले की तरह अधीनगी में नहीं रहना चाहते। अगर आप जैतून को पीसेंगे नहीं तो उसमें से कभी भी तेल नहीं निकल सकता। बिना पिसे आपके जीवन में तेल नहीं आ सकता। बाइबल कहती है कि जब एलियाह ने एलिशा को परमेश्वर के कामों के लिए बुलाया तो लिखा है कि एलिशा ने अपने बैलों को कुर्बान कर दिया ताकि जब वह परमेश्वर के कामों के लिए जाए तो वह अपने खुद के कामों से निश्चिंत रहे। परमेश्वर ने कहा कि प्रातः काल को मेरी करुणा का और प्रति रात को मेरी सच्चाई का प्रचार कर। सुबह का मतलब होता है वह समय जब आपके जीवन में गवाहियां हैं, जब आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि तब भी मेरे भले कामों का प्रचार करना और प्रति रात को, यानी जब आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो, जब आपको पता हो कि मैं परमेश्वर के साथ सही चल रहा हूँ और उसके बावजूद भी आपकी बीमारियां विपत्ति नहीं हो रही दूर, तो परमेश्वर ने कहा तब भी मेरे सच्चाई का प्रचार करना। आप जब प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो वह आपको कोड़े भी मारेगा, और अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आप पर विश्वास नहीं है कि जब आप पर कोड़े पड़ेंगे तो आप तब भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे या नहीं। पवित्र आत्मा से भी वही भरते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अड़े और खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना ही आपकी सामर्थ्य है, आपकी ताकत है और शैतान के खिलाफ एक हथियार है। जब आप दुखों में भी परमेश्वर के भले कामों का प्रचार करते हैं तो शैतान भी सोचेगा कि मैंने इसको बीमारी दी, इसको गरीबी दी, लेकिन यह फिर भी यीशु मसीह की आशीषों का प्रचार कर रहा है। अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे तो गरीबी को जाना ही पड़ेगा, बीमारी को जाना ही पड़ेगा, और परमेश्वर के उद्धार को आपके जीवन में, आपके परिवार में आना ही पड़ेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने जीवन के हर समय में और हर हालात में
आपके सुसमाचार और भलाई का प्रचार कर सकूं और आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रहकर आपकी गवाही दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन आमेन।